एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th के इंग्लिश का चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में हम वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो नरेटर ने एंड उनकी वाइफ और जो उनके दो बच्चे थे उन्होंने स्टार्ट करी थी टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ कैप्टन जेम्स कुक. अब ये कैप्टन जेम्स कुक जो है एक बहुत ही फेमस सेलर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सी रूट्स जो होते थे ना उनको डिस्कवर करते थे. यानी कि इन्होंने एक सी रूट डिस्कवर करा था 200 साल पहले प्लायमाउथ इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक जाने का. तो उसी जो उनका जो रूट था उसी रूट पे जो ये नरेटर थे हमारे और इनकी जो फैमिली थी ये डिसाइड करते हैं कि ये भी अपना एक ट्रिप प्लान करते हैं एंड इसके लिए एक स्पेशली ये एक बोट बनाते हैं. तो जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 ईयर्स पहले जो जर्नी करी थी उसको डुप्लीकेट करना था. यू कैन सी हियर ही विद हिज वाइफ. ही कौन है? नरेटर जो 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है एक. ही विद हिज वाइफ मैरी. वाइफ का नाम क्या है? मैरी. उनके जो दो बच्चे थे सुजैन एंड जोनाथन डिसाइडेड टू डुप्लीकेट द वॉयज. कौन सा वॉयज? जो सी जर्नी थी जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 ईयर्स पहले करी थी उसको रिपीट करने की ये लोग कोशिश करते हैं. अब अगर आपको सी रूट पे जाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या चाहिए? आपको एक बोट चाहिए, आपको एक शिप चाहिए. तो इनका जो रूट था काफ़ी लंबा रूट था. इंग्लैंड से नीचे सदर्न इंडियन ओशन तक आना था इनको, ऑस्ट्रेलिया तक जाना था. तो उसके लिए इन्होंने स्पेशली एक प्रोफेशनली बिल्ट बोट बनवाई थी एंड बोट का नाम क्या रखा इन्होंने? वेव वॉकर. यानी कि जो वेव्स को तोड़ती हुई आगे निकल जाएगी, वेव वॉकर. तो ये वन मार्क के लिए आपको याद रखना है, वेव वॉकर. ठीक है. विच इज़ ब्यूटिफुल स्पेसिमिन. यानी कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनी गई थी ये बोट. 23 मीटर्स लॉन्ग, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी. तो ये आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन वेव वॉकर. तो आपको याद रखना है ये 23 मीटर लॉन्ग थी एंड 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी. यानी कि ये जो इसका नीचे का जो हिस्सा था ब्यूटिफुली वुडन से बना हुआ था एंड इसमें ऑलमोस्ट 30 टन जो वुडन था वो यूज हुआ था एंड इसका वेट ऑलमोस्ट 30 टन था एंड इसके जो आप मेजरमेंट देखो तो इट वॉज 23 मीटर लॉन्ग. तो ये जो वेव वॉकर हमारी थी ये निकल पड़ी थी पूरी की पूरी फैमिली के साथ वो एज को डुप्लीकेट करने की जो 200 साल पहले जेम्स कुक ने करी थी. एंड यस, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन मार्क क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स, एमसीक्यू की पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको तो उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. वहाँ पे मैंने स्टूडेंट लैंग्वेज के बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उनका लिंक दिया है. आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी एंड एमसीक्यू. सबके बार एग्जाम में एमसीक्यू आने वाले हैं तो आप जाके देख सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू. तो अब एक चीज़ देखो आपको एक जो याद रखनी है दैट ये जो इनका जो इन्होंने शिप बनवाया था इट वॉज टेस्टेड इन रफेस्ट वेदर्स टू चेक इट ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. तो जो नरेटर थे और उनकी वाइफ थी उन्होंने ये जो अपनी शिप था उसको बहुत जगह तक टेस्ट करा, बहुत रफेस्ट वेदर्स के अंदर यानी कि जहाँ पर बहुत तूफान आता था उन सीज के अंदर ले जाके इन्होंने अपना जो शिप था उसको टेस्ट करा. इन्होंने डायरेक्टली ऐसी जर्नी प्लान नहीं कर ली, हाँ भैया आज शिप बनवाया कल चल. नो, इन्होंने काफ़ी साल तक अपनी जो सी में वोयज करने की जो उनकी टेक्निक थी उसको, स्किल्स थी उसको डेवलप भी करा. ऐसे आप पहली बारी में इतने मुश्किल रास्ते पे नहीं उतर सकते अपना शिप, लेकिन नहीं, इन्होंने प्रैक्टिस करा अपने स्किल्स को. ये हर समय थोड़े टाइम बाद छोटे छोटे टूर पे जाते रहते थे अपना शिप लेके प्रैक्टिस करा. और जो इनकी ये वुडन हल्ड ब्यूटी थी वेव वॉकर इसको भी इन्होंने रफेस्ट वेदर्स में चेक करा और तब इन्होंने डिसाइड करा कि हाँ भाई अब हम रेडी हो चुके हैं जेम्स कुक ने जो वॉयज करा था उसको डुप्लीकेट करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड वर्ल्ड टूर इन आवर शिप वेव वॉकर. तो कैसा रहा? वाइफ और उनके दो बच्चे. दो करेक्टर्स और आते हैं. फर्स्ट इज अमेरिकन लैरी वीगल. अमेरिकन क्यों है? बिकॉज ये एक प्रोफेशनल सेलर है. अब देखो ये इतने बड़े वर्ल्ड टूर पे जा रहे होते थे तो ये लोग अपने साथ में दो सेलर्स भी रख ले जो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं कि अगर कल को तूफान आया रास्ते में, कोई प्रॉब्लम हुई तो इनकी हेल्प के लिए दो प्रोफेशनल सेलर्स भी इन्होंने रख लिए थे. तो दोनों सेलर्स के नाम आपको याद रखने हैं, अमेरिकन लैरी वीगल. अमेरिकन क्यों है? क्योंकि अमेरिकन सेलर थे. हु जॉइंस द नरेटर एंड मैरी एंड केप टाउन टू हेल्प देम टैकल द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज. तो ये इनको केप टाउन में, केप टाउन तक इंग्लैंड से, केप टाउन, केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका के पास में. ठीक है, तो इंग्लैंड से केप टाउन तक तो ये लोग आराम से अपने वेव वॉकर में खुद आते हैं, चार जने, मम्मी पापा इन दोनों बच्चे. जब ये केप टाउन पे आते हैं तो इनको ज्वाइन कर लेता है लैरी वीगल एंड स्विट्जरलैंड का हर्ब सीगर.
तो देख लेते एक बार भी, प्रिपरेशन भी हमें पता चल गई कितने करेक्टर्स थे, कौन कौन लोग जा रहे थे, इनकी वेव वॉकर इनकी बोट का नाम था, रूट देख लेते, मैप देख लेते दैट इन्होंने कहा कहाँ पे रुकना था, इनकी डेस्टिनेशन, इनका जो टूर था वो कैसा था। तो स्टार्ट करते हैं ये प्लायमाउथ इंग्लैंड से। प्लायमाउथ इंग्लैंड से इन्हें रुकना था केप टाउन में, जहाँ साउथ अफ्रीका में केप टाउन में, एंड केप टाउन से इनके साथ दो और जो सेलर्स थे वो आ जाते हैं इनकी बोट पे इनकी हेल्प करने के लिए आगे की टूर में, जिनका नाम था हर्ब सीगर एंड अमेरिका के जो थे लैरी वीगल, दोनों ही साउथ अफ्रीका में इनको ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे दो सेलर्स और इनके साथ अकंपनी हो जाते हैं। अब इन दो सेलर्स के साथ इन्हें जाना था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जब ये ऑस्ट्रेलिया, देखो तीन कॉन्टिनेंट्स इन्होंने घूम लिए हैं, यूरोप से अफ्रीका घूम लिया, अफ्रीका से ये ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया से इन्हें जाना था फिर अमेरिका, और जब ये अमेरिका घूम लेते तो उसके बाद ये वापस आते इंग्लैंड में। तो इस चीज़ को क्या बोला गया है, अराउंड द वर्ल्ड वॉयज। ये चीज़ आई डोंट थिंक सो आपको किसी ने एक्सप्लेन करी होगी, ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसलिए मैं आपको सब बता रही हूँ कि हमें समझ में आए दैट इनकी जर्नी कैसी थी। तो इन्हें इंग्लैंड से निकले केप टाउन, केप टाउन से इन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना था, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, और फिर वापस इन्हें इंग्लैंड जाना था। ये इनका मैप था, इनकी इस जर्नी के अंदर टोटल जो इन्होंने डिसाइड करा था इनको 3 ईयर्स लगने वाले थे इस जर्नी में। क्या टाइम पीरियड था इसका, 3 ईयर्स इन्हें लगते इस जर्नी को करने में, एंड डिस्टेंस था 1,05,000 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस था इन्हें कवर करना था। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट ये जो इन्होंने, और यही जर्नी एक बार 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने भी करी थी। तो नाउ वी हैव टू स्टडी दैट ये जो इनका ड्रीम था इस वर्ल्ड टूर को डुप्लीकेट करने का, वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है। तो लेट अस स्टार्ट द डिटेल। जो एक 37-year-old बिजनेसमैन थे अलॉन्ग विद हिज वाइफ मैरी, उनकी जो वाइफ थी मैरी, उनका बेटा जोनाथन एंड सुजैन, ये लोग सेट करते हैं अपनी सेल फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड। मैंने आपको बता दिया प्लायमाउथ इंग्लैंड से ये स्टार्ट करते हैं फॉर द ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, और आपको पूरा मैप पता है कैसे इन्होंने जाना है, एंड ये रिपीट कर रहे थे कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी जो 200 इयर्स को कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी, ठीक है। जर्नी बिगिंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 3 इयर्स जर्नी, मैंने आपको बताया इनकी जर्नी 3 इयर्स के लिए प्लान थी, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत मजे से चला गया जब ये लोग प्लायमाउथ से केप टाउन पहुंचते हैं, जो कहां है, कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे, साउथ अफ्रीका के कोस्ट पे है केप टाउन, एंड वहां पे इनको दो लोग और अकंपनी करते, आपको पता है अमेरिकन लैरी वीगल एंड स्विस के हर्ब सीगर, क्योंकि जो अब ये लोग सदर्न इंडियन ओशन में जाने वाले थे जो एक बहुत ही टफ ओशन है, तो इसलिए ये अपने साथ अपनी हेल्प के लिए दो और एकंपनी कर लेते हैं। इट वॉज जस्ट ऑन द सेकंड डे ऑफ देयर जर्नी आउट ऑफ केप टाउन दैट दे बिगन टू फेस विंड स्टॉर्म्स। देखो अब जैसे ही, देखो सदर्न इंडियन ओशन बहुत डिफिकल्ट ओशन है अगर आपको वहां पे वॉयज करना है, तो इसलिए जैसे ही ये केप टाउन से निकलते हैं अगले दिन ही विंड स्टॉर्म यानी कि बड़े बड़े तूफान आने लग जाते हैं, दैट कंटिन्यू थंडर स्टॉर्म्स आने लगते हैं, बहुत ऊंची ऊंची आप कह सकते हो हवाएं चल रही थी डरावनी आवाज के साथ में, बट ये कहते हैं दैट हवा से हमें इतना, विंड से हमें इतना डर नहीं लग रहा था जितना डर हमें लग रहा था वेव से, जो फेरोशियस वेव्स थी जो इनके मेन मास्ट तक की हाइट की थी। नाउ व्हाट इज मेन मास्ट, लेट मी टेल यू, ये जो शिप है देखो, इस शिप के ऊपर एक इतना बड़ा सा डंडा होता है, आप एक शिप की फोटो देखो उसमें एक बड़ा सा डंडा होता है, तो ये जो डंडा होता है इसको बोला जाता है मास्ट, ये शिप को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, साथ ही साथ शिप का जो एंगल है और जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक कपड़ा लगा होता है शिप में, शिप इसके बिना इनकम्प्लीट लगता है ना, तो ये जो कपड़ा होता है इसको कहते हैं जिब, ये भी आपको ध्यान रखना है, आप चैप्टर में आगे पढ़ते रहोगे। नेक्स्ट चीज़ होती है एक ये ऐसा एक डंडा लगा होता है जिब के नीचे साइड में एंगल को ऐसे कंट्रोल करने के लिए, इसको क्या कहते हैं बूम, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है, ये क्या होता है शिप का जो फ्लोर होता है जिस पे ये लोग चल रहे होते हैं लकड़ी का, इसको बोला जाता है डेक, एंड स्टारबोर्ड साइड जो ये शिप का फ्रंट होता है ना, जो शिप का फ्रंट है इसकी जो राइट साइड होती है इसको क्या बोला जाता है, स्टारबोर्ड साइड, आप याद रखना इस चीज़ को, पूरा चैप्टर में हमें ये काम आने वाली है, क्या स्टार बोर्ड साइड, ठीक है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं शिप, हमें पता चल जाता है। तो इतनी ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी, आप समझ लो कि ये वेव है और ये इनका जो शिप है यहाँ तक की शिप के हाइट तक की जो वेव्स थी उनका सामना इन्हें करना पड़ा था, बट स्टिल दे वर मूविंग वेरी स्विफ्टली। 25 दिसंबर को दे हैड ट्रैवल 3,500 किलोमीटर, इनकी जर्नी की टोटल क्या थी हमने देखा था, 1,05,000 किलोमीटर इन्हें ट्रैवल करना था, उसमें से 3,500 किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल कर लिया था बाय 25 दिसंबर। क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ये लोग बहुत अच्छे से, क्रिसमस ट्री लगा के अपने शिप पे ही क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। न्यू ईयर वाले दिन जो वेदर था बहुत वर्स हो जाता है और एक्सट्रीमली लार्ज वेव्स, बहुत ऊंची ऊंची लहरें इनके शिप के सामने आना स्टार्ट कर देती है। दे वर सेलिंग विद ओनली अ स्टॉर्म जिप, जो इनकी जिप थी वो जो कपड़ा था बहुत छोटा सा कपड़ा था, वो स्टॉर्म से बचने के लिए ही होता है, वो भी बहुत छोटा सा था, एंड वेव्स वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, यानी कि जो वेव्स थी, नॉट्स क्या है,
एक स्पीड की जो यूनिट है वो होती है, जैसे हम कहते हैं ना किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, तो उसी तरीके से जब शिप में आप ट्रैवल कर रहे हो तो सी में नॉटिकल माइल्स के अंदर, नॉटिकल माइल्स के अंदर जो वेव्स की स्पीड होती है उसको मेजर करा जाता है। तो वेव्स की जो स्पीड थी वो ऑलमोस्ट आप यहाँ देख सकते हो 8 knots तक की आ रही थी, यानी कि बहुत हाई स्पीड पे वेव जो थी उनके ऊपर ऐसे ऐसे आ रही थी। एंड तो आप समझो पानी की जो छींटे होती हैं यानी कि बहुत सारी उनके शिप पे आ रही थी, और ज़ोर ज़ोर की विंड्स चल रही थी और उनके कानों में इतनी ज़ोर ज़ोर की विंड्स की आवाज़ आ रही थी, तो बहुत उन्हें डर लग रहा था उस समय पे। Therefore, they stop the storm jib to slow down the boat. तो ये जो इनकी जिब होती थी, ये जो कपड़ा था उसको वो गिरा देते हैं कि बोट की स्पीड अगर हल्की हो जाएगी तो हो सकता है ये वेव्स के ऊपर से आराम से चली जाए। तो ये स्टॉर्म जिब को हटा देते हैं एंड अपनी तरफ से पूरा अपने आप को रेडी कर लेते हैं उस तूफान का सामना करने के लिए। दे डबल रैप्ड एवरीथिंग, इन्होंने रस्सियों से जो भी इनका सामान था, कबर्ड्स थी, जो इनके इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स थे, उनको डबल लैश यानी कि बार बार उनको बांध देते हैं रस्सियों से, बिकॉज अगर आप सोचो तूफान आ रहा है, शिप कभी इधर उड़ रहा है, शिप कभी उधर उड़ रहा है, तो सब सामान गिर जाएगा, टूट जाएगा, जो उनकी यूजफुल चीज़ें थी तो सबको ये लोग डबल डबल बांध देते हैं। अगर कोई चीज़ उनके सर पर भी लग सकती थी अगर गिरती है, तो ये अक्रॉस द लूप यानी कि गोला बांध के ऐसे यूँ ऐसे टाइट टाइट करके सब कुछ बांध देते हैं। दे फास्टेंड एवरीथिंग, वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होगी, वो ऑरेंज कलर की छोटी छोटी सी बोट्स होती है जिनको डिंजीज भी कहते हैं, उनको ये लोग पानी में उतार देते हैं कि अगर डूबने का खतरा हुआ तो ये अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल्स पे खुद को बचा सकते थे। अटैच द लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन्स अटैच यानी कि लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। एंड ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स क्या होती है, देखो एक लेट मी टेल यू, एक होती है ऑयल स्किन्स, एक तरीके की आप कह सकते हो जैकेट्स ही होती हैं जिसमें कॉटन भरी हुई होती हैं जिस और ऑयल लगा हुआ होता है कि अगर ये लोग पानी में गिर रहे हैं, अगर इन्हें चोट लग रही है तो कॉटन का पैडेड होता है उसके ऊपर ये जैकेट भी पहन लेते हैं, जिससे जो ये है जो किसी भी तरीके की चोट से बच सके। तो अपनी तरफ से ये स्टॉर्म का सामना करने के लिए सब कुछ बांध के रस्सी से ऑयल जैकेट्स पहन के, लाइफ जैकेट्स पहन के रेडी हो जाते हैं। एट अबाउट 6 PM देयर वॉज अ साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। आपने हमेशा ये वाली एक मेटाफर सुना होगा, मुहावरा सुना होगा, तूफान से आने के पहले की शांति। तो 6 बजे बिल्कुल शांति होती है और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये तूफान से आने से पहले वाली शांति है। द विंड स्टॉप, विंड बिल्कुल रुक जाती है, स्काई बिकेम डार्क और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। देन अ लाउड roaring sound was heard and a huge cloud seemed to come. और एक बहुत जोर की गड़गड़ाहट होती है और इन्हें अपने शिप के सामने एक बहुत बड़ा सा काला बादल दिखता है, बहुत बड़ा काला बादल सामने उनके, काला बादल है, बट एक्चुअली में वो एक काला बादल नहीं था, वो एक बहुत बड़ी बिल्कुल परपेंडिकुलर वेव थी यानी कि पानी की लहर थी जो इतनी ऊंची थी, आप इमेजिन करो कि उन्हें लग रहा था कि आसमान में कोई बादल है। इट वॉज इनफैक्ट द बिगेस्ट वेव दैट दे हैड एवर सीन, इट वॉज परपेंडिकुलर एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस एज हाई एज अदर वेव्स, यानी कि अगर आप देखो ये रहा इनका शिप वेव वॉकर और ये रहा पूरा हमारा जो सी है, और इतनी इतनी ऊंची वेव जो थी इनके ऊपर आ रही थी, एटलीस्ट इनको तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो पूरा का पूरा सी है वही इनके शिप के ऊपर गिरने वाला है। तो इतना बड़ा जब इन्होंने जो वेव थी उसको देखा तो इनको क्या लगता है कि ये कोई काला बादल है, बट एक्चुअली में ये काला बादल नहीं था, ये एक बहुत ही ऊंची वेव थी। अब इस वेव का कैसे ये लोग सामना करते हैं और वेव क्या करती है इनके साथ, लेट अस स्टडी। द रोर ग्रोइंग लाउडर एंड द ऑथर अटेम्प्टेड टू राइड द वेव्स। तो जो वेव्स थी बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची होने लगती हैं, आवाज़ आने लगती है, तो ऑथर सोचते हैं कि हो सकता है मैं इन वेव्स के ऊपर से अपने शिप को लेकर चला जाऊं। बट जस्ट देन देयर वॉज अ ग्रेट एक्सप्लोजन दैट शूक ऑन द फ्लोर ऑफ द शिप। एकदम से ही बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है उनके शिप के ऊपर और सारा पानी उनके शिप के अंदर, आप इमेजिन करो शिप जा रहा है सामने से इतनी बड़ी वेव आई, तो वो वेव आई तो पानी सारा उनके शिप के डेक के ऊपर गिर जाता है, इतना सारा पानी उनके शिप के अंदर भर जाता है कि वो लोग डूबने लगते हैं। लेट अस स्टडी। वाटर गस्ट इन टू द शिप, यानी कि पूरा का पूरा वाटर, मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रहा इनका शिप, सामने से वेव आई, ठीक है, अब पानी कोई रोका थोड़ी रहेगा, पानी नीचे गिरेगा तो सही, तो सारा पानी इनके शिप के ऊपर गिर जाता है। एंड जो इनका जो शिप होता है जब उसके ऊपर पानी गिरता है तो ऑथर का भी जो हेड होता है उनके व्हील के ऊपर लग जाता है, जो स्टेयरिंग व्हील होता है उसके ऊपर इनका हेड लग जाता है। एंड बिफोर ही न्यू ही वॉज थ्रोन इन टू द सी, एंड वो सी में पानी भर जाता है, ऐसे डूबते हुए सी के अंदर गिर जाते हैं। उन्हें सामने अपने सर में इतनी जोर की उनकी चोट लग गई होती है दैट ही वॉज इन अ नियर डेथ सिचुएशन। ऑथर इनफैक्ट मरने वाले होते हैं, ही वॉज अबाउट टू डाई बट सडनली हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर। सडनली क्या होता है, उनका जो हेड है वो पानी में से बाहर, अब ऑथर शिप के ऊपर नहीं है नीचे है समुंदर के अंदर, उनका जो हेड है शिप में से बाहर आता है और उन्हें दिखाई देता है वेव वॉकर फ्यू मीटर्स अवे, यानी कि वो पानी से दूर पड़े हुए और सामने उन्हें अपना शिप वेव वॉकर दिखाई दे रहा है। इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग, बिल्कुल शिप पलटने की जो आप कह सकते हो वर्ज पे था। इट वॉज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो मेन मास्ट था वो हॉरिजॉन्टल, आप समझो ये जो डंडा था ना इनका, ये वर्टिकली रहता है ना मेन मास्ट, जो मेन मास्ट था वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होने वाला था, यानी कि उनका जो शिप था बिल्कुल ऐसे ही वो डूबने वाला था। देन अ स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग वेव टॉस्ड इट इनटू अ स्ट्रेट पोजीशन. और जब उनका जो शिप था वो डूबने वाला था तो इस साइड से एक वेव आती है और शिप को सीधा खड़ा कर देती है. और जैसे ही जो देखते हैं नरेटर की वेव वॉकर अब स्टार्ट हो गया है, खड़ा हो गया, बिल्कुल सही पोजीशन में आ गया है, तो ऑथर गार्ड रेल्स को पकड़ के वेव वॉकर तक भागते हैं, यानी कि रस्सियों को पकड़ के और रेलिंग्स को पकड़ के शिप की फिर से वेव वॉकर पर जंप करके आ जाते हैं. और उस समय शिप के ऊपर पहुँचते हैं, शिप के डेक यानी शिप के फ्लोर के ऊपर पहुँचते हैं. इधर से एक लहर आ रही थी, इधर से एक लहर आ रही थी, एंड उसकी वजह से वो गिर जाते हैं शिप के ऊपर एंड उनकी जो रिप्स थी वो टूट जाती हैं. ऑथर के मुंह में ब्लड भर जाता है एंड फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते हैं. सम हाउ ही फाउंड द व्हील, वो जो स्टेयरिंग व्हील था, किसका व्हील, जो शिप का व्हील था, उसको जाके पकड़ते हैं कि एटलीस्ट वो शिप को एक डायरेक्शन में रख पाए जिससे कि जो शिप है वो ओवरटर्न ना हो जाए. लाइंड अप द स्टेम फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, वो ऐसे शिप के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं कि जो आगे जो एक अकॉर्ड लहर आ रही है उसका वो सामना कर पाए. द ऑथर वेल द शिप वॉज फ्लडिंग विद वॉटर, वो साथ ही साथ देखते हैं कि जो शिप था उसमें पानी भरा था, अगर शिप में पानी भर गया तो शिप डूब जाएगा. ठीक है, जस्ट देन मैरी केम इन अ पैनिक एंड इन्फॉर्म दैट द शिप वॉज सिंकिंग. उसी समय जब वो शिप का जो व्हील था उसे कंट्रोल कर रहे होते, नीचे से उनकी वाइफ आ जाती है. शिप का एक निचला हिस्सा भी तो होता है, यानी कि ये तो डेक हो गया, यहाँ पे ये लोग चल रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा है ऐसे खिड़कियाँ बनी होती है, यहाँ नीचे ये लोग रहते हैं, तो यहाँ से नीचे से इनकी वाइफ आती है और बताती है कि नीचे भी पानी भरने लग गया है एंड वी आर सिंकिंग. तो ऑथर उनको चिल्ला के बोलते हैं कि यू टेक द व्हील, यानी कि आप व्हील लो और मैं जाके चेक करता हूँ दैट नीचे क्या हो रहा है. ही क्लाइंबर टुवर्ड्स द हैच, अब ये हैच क्या है, ये डोर होता है एक जो ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में जाने के लिए बना होता है शिप के. तो ही सॉ लैरी, और जब वो नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं जो लैरी और जो हब थे, जो दोनों बाकी सेलर्स थे, वो खाली नहीं बैठे थे, वो मैडमैन की तरह, यानी कि वो पागलों की तरह जो पानी भर गया था शिप में से उसको ऐसे निकाल निकाल के शिप में से पानी को बाहर निकाल रहे थे. यू ऑल्सो नोटेड दैट द होल स्टार बोर्ड हैड कार्व्ड इनवर्ड्स एंड क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ज्ड इन टॉयज और फ्लोटिंग इन डीप वाटर्स, जो इनके शिप का जो ये आगे वाला हिस्सा था ना स्टार बोर्ड साइड, ये टूट चुका था बिल्कुल, और यहाँ से जो इनका सामान था सारा वो सी में जाके डूब रहा था, इन्हें सी में दिख रहा था, और जो अंदर पानी भरा हुआ था वहाँ पर उनकी क्रॉकरी टॉयज टेंट सब कुछ पानी में बह रहा था. एंड जो लैरी वीगल थे और जो उनका दूसरा वाला सेलर था वो पानी शिप में से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे. मीनवाइल जब ऑथर जाते हैं नीचे चेक करने के लिए तो वो एक बार अपने बच्चों को भी देखता है दैट बच्चे किस कंडीशन में है. ऑथर बड़ी मुश्किल से चिल्ड्रंस के केबिन में पहुंचते हैं और वहां जाके वो देखते हैं जो सू थी, वो पूछते क्या हुआ अपर बंक में, यानी कि बंकर बेड होते हैं ना, एक दो तीन ऐसे बेड बने होते हैं, तो सबसे अपर वाले बंकर में सू और जोनाथन बैठे होते हैं एंड सू का जो हेड होता है वो स्वोलन हो चुका होता है, बम्प्ड हेड लिखा है, उसका हेड फट चुका होता है और वो उसमें बहुत ज्यादा सूजन आ रखी होती है और दोनों आईज उसकी जो थी वो ब्लैक हो रखी होती है. तो वो दिखाती है दैट मेरे जो सर के ऊपर है वो एक बम्प हो गया है, बट समहाउ जो हमारे जो नरेटर थे उस समय इग्नोर कर देते उसको, बिकॉज उन्होंने उनकी जान बचानी थी, बम्प्ड हेड के लिए उनके पास उस समय पर टाइम नहीं था, वो एक बार अपने बच्चों को चेक जरूर कर लेते हैं. अब सेकंडली देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पे उनकी क्या थी कि शिप के अंदर पानी भर रहा था, तो जहां जहां पे होल हुए थे जो वेव की वजह से नुकसान हुआ था, जहां जहां से शिप टूट गया था वहां वहां पे जो ऑथर थे उनको रिपेयर करना था उसको कि पानी अंदर आने से रुके. तो वो क्या करते हैं, वो एक कैनवस ग्रैब करते हैं, कैनवस के होता है एक तरपाल होता है वाटर प्रूफ कपड़ा होता है, तो उसको लगाने की वो कोशिश करते हैं, वो हथौड़ी और वो नील्स वेल्स लेके जाते हैं टू कवर द पोर्शन दैट वॉज हैविंग होल्स, उन पोर्शन को कवर करने के लिए सो दैट जो पानी है वो अंदर आने से रुक जाए. तो वो काफी जगह पे कैनवस लगा देते हैं, उससे क्या होता है पानी अंदर आना रुक जाता है और जो अंदर का जो पानी होता है उसको निकालने के लिए देवर मेकिंग फ्रेंटिक एफर्ट्स, वो बार बार पंपिंग करके शिप में से पानी बाहर निकाल ही रहे थे. बट दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ द ट्रबल्स, अब तुम्हें तो लग रहा होगा ठीक है बच्चे भी ठीक है, मम्मी ने वियरिंग स्टेयरिंग व्हील संभाल लिया, पानी बाहर निकाल लिया, कैनवस लग गया, बट नहीं, दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ द ट्रबल. सडनली क्या होता है, इनके जो हैंड पंप थे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए क्या थी कि शिप में से पानी को बाहर निकालना था. मीनवाइल क्या होता है, जो हैंड पंप था जिससे जो लैरी और जो वो हब थे पानी बाहर निकाल देते, हैंड पंप में डेब्रिस यानी कि डस्ट फट जाती है, कूड़ा फंस जाता है, उस वजह से हैंड पंप ब्लॉक हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिक पंप था जिससे ये लोग पानी बाहर निकाल रहे थे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है. अब अगर वो पानी बाहर नहीं निकालेंगे तो शिप डूब सकता था, तो अब इनके लिए क्या प्रॉब्लम थी कि पानी को शिप में से बाहर कैसे निकाले विदाउट द इलेक्ट्रिक पंप. तो ही वेंट टू द डेक एंड फाउंड टू स्पेयर हैंड पंप्स एंड अदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम. तो नरेटर को सडनली याद आता है कि जो रूम का फ्लोर था डेक था, डेक पे उन्हें दो स्पेयर हैंडपंप मिल जाते हैं. देखो ये पूरी अपनी प्रिपरेशन करके गए थे, तो जब वो दोनों खराब हो जाते हैं तो सडनली ऑथर भागते भागते उन्हें याद आता है दैट दो स्पेयर हैंडपंप थे उनके पास जो डेक में यानी कि फ्लोर पे पड़े हुए थे शिप के, और एक जो उनका चार्ट रूम था, चार्ट रूम कौन सा था, वो रूम जहाँ कंपस लगा के वो एंगल्स वैंगल्स सेट करते हैं, दो जो चार्ट रूम था उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ था, तो उससे उनकी जान बच जाती है. सारे के सारे पूरी की पूरी फैमिली हैंडपंप्स लेके और इलेक्ट्रिक पंप लेके पानी बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है. जनवरी का पूरा दिन जो का निकल जाता है पानी बाहर निकालने में हैंडपंप से और इलेक्ट्रिक पंप से, और सेकंडली मेडे कॉल्स देने में, जो आधे से ज्यादा टाइम या तो क्या पानी निकाल रही थी पूरी फैमिली शिप के अंदर से या फिर मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स आपको पता है जो यानी कि जो कम्युनिकेशंस करने के लिए जो रेडियो के थ्रू कॉल्स दी जाती हैं उसके लिए एफर्ट्स कर रहे थे ये, बट वो एक रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड और वहां पे आपको पता है दैट मेडे कॉल्स होना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, सिग्नल ही नहीं पकड़ पा रहे थे ये, किसी से हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहे थे. द नाइट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड और बहुत ठंड भी थी, और जो सू थी लड़की जो थी इनकी सुजैन, उसका पेट नेम सू
इशू है, उसका जो हेड था आपको पता है उस पर चोट लगी थी, सूज चुका था, वो सूज चुका था, तो उसकी वजह से जो उसकी दोनों आईज थी वो भी ब्लैक हो जाती हैं। एंड अब वो दिखाती है कि जो उसकी आर्म थी, जो उसका हाथ था, उस पर एक डीप कट भी लगा होता है। तो आप देख रहे हो वो छोटी सी बच्ची, उसका सर फट गया है, दोनों आंखें सूज गई हैं और हाथ में इतना बड़ा एक डीप कट था। बट वो उस समय पे अपने फादर को वो कट नहीं दिखाती। उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी इंजरीज के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे को इतनी बड़ी चोट लग चुकी है, हाथ पे कट लग चुका है। तो वो बताती है जब आप हमारी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे थे उस समय पे मुझे अपना ये कट दिखा के आपको परेशान नहीं करना था। तो आप देख रहे हो कि वो बच्ची भी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और इतनी ज़्यादा पेशेंस था उसके अंदर, खत्म हो जाती है। एंड 3 जनवरी मॉर्निंग, ये डेट एंड इवेंट्स आपको याद रखनी है। काफ़ी सारा पानी ये शिप में से बाहर निकाल चुके थे एंड अब ये लोग 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे। आप देख लो पूरी रात ये पानी निकालते रहे, कैलकुलेशन करते रहे, मेड कॉल्स करते रहे। सुबह इन्होंने इतना लेवल कर दिया था शिप के वाटर का दैट ये लोग रेस्ट ले सकते थे और पानी को बाहर इतना निकाल चुके थे कि 2 घंटे का ये लोग रेस्ट लेने का डिसाइड करते हैं। एंड ऑथर को अब ये समझ में आ जाता है दैट इतना नुकसान उनके शिप को हो चुका था, आधे से ज़्यादा शिप टूट चुका था, कबोर्ड के जो पार्टीशन थे यानी कि लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों से इन्होंने पानी को अंदर आने से रोक रखा था। तो आप ऐसे शिप को लेकर ही अपनी आगे की जर्नी जो थी वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वॉकर को लेकर ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया तक जाना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए ऑथर डिसाइड करते चेक करते हैं और काफ़ी सारा अपने चार्ट रूम में बैठ के कैलकुलेशंस निकालते हैं। इन्हें पता चलता है दैट फ्यू 100 किलोमीटर्स यानी कि 100 किलोमीटर दूर जो है 2 छोटे छोटे आइलैंड्स है, एक ईस्ट पे है एंड वन ऑफ देम लाई इन एम्स्टरडम, नियर एम्स्टरडम, उसका नाम क्या था, इले एम्स्टरडम। तो अगर वो उन छोटे छोटे आइलैंड्स तक पहुंच जाए, वहां पे एक साइंटिफिक बेस भी था तो वहां जाके उन्हें हेल्प मिल सकती थी, पहुंच जाते ये जो एम्स्टरडम के पास में जो आइलैंड था जहां पे साइंटिफिक बेस भी था, अगर ये वहां पे पहुंच जाते तो यहां पे उन्हें हेल्प मिल जाती, अदरवाइज जो शिप था उसका इंजन जो था वो भी खराब होने वाला था एंड दे वर इन अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन कि अगर आइलैंड छूट गया, अगर ये आइलैंड तक नहीं पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया तक इनका शिप नहीं जा सकता था एंड एट द एंड इनका शिप डूब जाता, ये लोग मर जाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट अब हो गया था नरेटर के लिए कि वो एम्स्टरडम तक अपने शिप को पहुंचा दे, जो एम्स्टरडम का जो पास में जो 2 आइलैंड थे वहां तक अपने शिप को पहुंचा दे। के बारे में अब बढ़ने वाले हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है ये। अब ऑथर को समझ में आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया तक तो शिप नहीं जाने वाला है तो एम्स्टरडम के आइलैंड्स तक जो शिप है उसको पहुंचाना है और बहुत समय तक पानी बाहर निकाल निकाल के, जितना शिप में पानी खट हुआ था उसको निकाल निकाल के, नाउ दे वर इन अ रेस्ट मोड बिकॉज इतना पानी बाहर निकल चुका था कि शिप डूबने नहीं वाला था, अब बस जो पानी अंदर आ रहा था उन्हें उसे ही बाहर निकालना था, ठीक है। एंड अब ये लोग क्या करते हैं, जो इनका शिप था वो खाली मास्ट के ऊपर चल रहा था ना, इन्होंने जिप हटा रखी थी तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा था जिप के ऊपर, इसलिए जो वो कपड़ा होता है उसको अब ऑन कर देते हैं, यानी कि जो स्टॉर्म जिप थी अब उसको ये लोग ऑन कर देते, लगा देते हैं। सो दे होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड मूव टुवर्ड्स द 2 आइलैंड। अब इनकी डेस्टिनेशन क्या थी कि इन्हें 2 आइलैंड तक पहुंचना था एंड आफ्टर 2 डेज यू कैन सी दैट इनको जो उनकी जो वाइफ होती है उनको कुछ सामान के अंदर बिस्किट्स मिल जाते हैं, 2 corned beef एंड क्रैकर बिस्किट्स, तो इन्हें थोड़ा सा खाना मिलता है जो ये लोग आपस में शेयर करके खा लेते हो। आप देख रहे हो 2 दिन बाद इन्हें छोटी सी मेगर मील मिलती है जिसको खा के ये लोग ऑलमोस्ट खुश हो जाते हैं, 2 दिन बाद इन्हें खाने की चीज़ मिलती है। एंड हाउएवर जो इनकी रिलीफ थी ये बेचैन तो हो जाता है कि चलो भैया हमने थोड़ा बहुत खा भी लिया है, पानी भी नहीं मिला है, और फिर से इनके लिए ट्रबल आने वाला होता है। 4 बजे फिर से अंधेरा हो जाता है, सेम टू सेम जैसा उस दिन 6 बजे हुआ था वैसे ही डार्क क्लाउड्स फिर से इनके सामने आ जाते हैं। और अब जब दोबारा डार्क क्लाउड्स आते हैं तो नरेटर और उनकी वाइफ दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अब उनको उस स्टॉर्म से अगर दोबारा आता तो कोई बचा नहीं सकता था। बट वो अपने बेटे जॉन से बात करते हैं एंड यू नो उनका बेटा जॉन उन्हें बोलता है दैट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑन कैन बी टुगेदर। तो उनका बेटा उनको ये बात बोलता है दैट अगर मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ में हैं, तो वो अपने फादर को हिम्मत देते हैं कि अगर स्टॉर्म आएगा तो हम स्टॉर्म से भी लड़ेंगे और अगर हमें मरना होगा हम मर जाएंगे, अगर हम सब इकट्ठे हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। और यही चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल कैन बी टुगेदर। तो ये बात बोलता है जब जॉन अपने फादर को, तो फादर को बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस आता है दैट यस अब मुझे उन दोनों आइलैंड्स को ढूंढना और अपनी फैमिली को सेफली उन आइलैंड्स तक पहुंचा कर रहना है। तो 5 जनवरी को जब फिर से स्टॉर्म के आने का उन्हें खतरा लग रहा था तो नरेटर को आप अपने शिप को और अपनी फैमिली को बचाना था, तो उसके लिए वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। आप यहां देख सकते हो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, 22 बैरल्स ऑफ पैराफिन, शिप के एंकर और नायलॉन लेके यानी कि रस्सियों से बांध के सब कुछ अपनी रेडी करते हैं, शिप को जो टूटा हुआ हिस्सा होता है उसको रिपेयर करने जाते हैं कि अगर स्टॉर्म आए तो मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं। लेटर इन द इवनिंग एज मोर वाटर केम इनटू द शिप दे फील डिफीटेड अगेन, बट स्टिल क्या होता है शाम तक और पानी भरना स्टार्ट हो जाता है शिप के अंदर और उन लोगों को फिर से बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी। बट एक्चुअली में 4 और 5 जनवरी को हाँ वेदर तो बहुत खराब होता है बट थैंक गॉड कोई बड़ी सी लहर नहीं आती और ना ही कुछ होता है। और 6 जनवरी को जो विंड की स्पीड थी वो डिक्रीज होने लगती है यानी कि हवा की जो स्पीड थी वो कम होने लगती है और जो स्टॉर्म होता है यानी कि तूफान छटने लगता है। तो ऑथर ट्राइड टू कैलकुलेट द पोजीशन। अब ऑथर क्या चाहते हैं कि मुझे पोजीशन पता चल जाए उन
आइलैंड्स की, वो इतने बड़े ओशन में थे एंड उनको उस ओशन के अंदर दो छोटे छोटे आइलैंड ढूंढने थे, इन्हें नहीं पता कौन से डायरेक्शन पे है। जो उनका कंपास था वो खराब हो चुका था, तो ऑथर को बहुत मुश्किल से उन दोनों आइलैंड्स को ढूंढना था। दैट वाज समवेयर जो आइलैंड्स उनको ढूंढ रहे होते हैं। सू जो थी उनकी बेटी, उसको इंजरी हो रखी होती थी, हार्ट भी कटा हुआ था, सर भी उसका फूला हुआ था, और अपने फादर के पास आती है और उसको एक कार्ड देती है। सू अपने फादर को एक कार्ड देती है जिसपे जो ऑथर है और उनकी वाइफ की फोटो बनी होती है, छोटी सी, जो उसने खुद बनाई होती है, एंड उसमें मैसेज लिखा होता है होप फॉर द बेस्ट। वो अपने फादर को आगे थोड़ा इंकरेज करती है वो कार्ड देके कि आप कोशिश करो, सब हो जाएगा। मतलब छोटी सी बच्ची अपने फादर को खुश करने के लिए एक एफर्ट करती है, होप फॉर द बेस्ट। और वो कार्ड देख के जो हमारे नरेटर हैं वो फिर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, दैट यस नाउ आई हैव टू मेक एवरीथिंग, आई हैव टू डू एवरीथिंग टू सेव माई फैमिली। उन्होंने कार्ड किया तो उन्हें एक और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे अब अपनी फैमिली को बचाना है। तो वो कार्ड के बाद वो फिर से 2 घंटे तक 3 घंटे तक मेहनत करते हैं, और 2 PM पे वो लैरी को बोलते हैं कि शिप का जो स्टेयरिंग व्हील है उसे 180 डिग्री पे घुमा दो, एंड तब उन्हें लगता है कि हाँ हमें आइलैंड मिल सकते हैं। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि अगर आइलैंड मिलने होंगे तो 5 बजे तक हम उन आइलैंड तक पहुँच सकते हैं, बट इनवर्टली अंदर से उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि उनकी कैलकुलेशन गलत हो और वो आइलैंड तक नहीं पहुँचे। डिजेक्टेड वो अपनी फैमिली को नहीं बताते कि मुझे अभी भी डर लग रहा है हम नहीं पहुँचे, उनको खुद से और जब उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब सो जाते, इट वॉज ग्रोइंग डार्कर, बहुत अंधेरा होने लगता है। देखो सी पे ना 5 बजे भी बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। जस्ट देन 2 चिल्ड्रन केम टू हिम, दोनों बच्चे उनके पास आते हैं, एंड जॉन उन्हें बोलता है दैट यू आर द बेस्ट फादर एंड द बेस्ट कैप्टन, आप बेस्ट फादर हो और आप बेस्ट कैप्टन हो। और सू बताती है दैट जो आइलैंड है उनके बिल्कुल सामने है, यानी कि जो ऑथर थे उनको विक्ट्री मिल जाती है, अल्टीमेट विक्ट्री। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है, ऑथर को क्या लगता है वो अपनी फैमिली को नहीं बताते हैं, उन्हें लगता है कि 180 डिग्री मैंने घुमवा तो दिया है शिप को, बट मुझे नहीं लगता हम वहाँ पहुंचेंगे, और वो सो जाते हैं बेचारे परेशान होकर। बट दोनों बच्चे आके बताते हैं कि आइलैंड तक हम पहुंच गए। जॉन क्या कहता है, यू आर द बेस्ट फादर एंड द बेस्ट कैप्टन। द ऑथर रश्ड आउट टू द डेक एंड स्टेयर्ड विद द रिलीफ एट इले एम्स्टरडम, और जो ऑथर है बहुत रिलीफ से देखते हैं एम्स्टरडम के उस आइलैंड को जो एक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक था, और वहाँ पे वेजिटेशन भी थी, यानी कि वहाँ खेती भी हो रखी थी और वो एक वोल्केनिक रॉक था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, वो रात को वहाँ पे पहुँच जाते हैं उस आइलैंड तक, नेक्स्ट मॉर्निंग 28 पीपल आ जाते हैं वहाँ पे जो रह रहे होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, एंड फाइनली वो लोग बच जाते हैं। उनको बचाने के लिए 28 लोग जब आ जाते हैं तो ऑथर बहुत खुश होते हैं, एंड ही थैंक एवरीवन। सबसे पहला थैंक वो करते हैं लैरी एंड वीगल को, जिन्होंने पागलों की तरह शिप में से पानी बाहर निकाला और शिप को डूबने नहीं दिया। उनकी वाइफ मैरी, जिन्होंने हर समय व्हील को संभाल के रखा जिससे कि शिप डूब ना जाए, ओवरटर्न, जिसने अपनी इंजरीज नहीं बताई एंड क्या करा, अपनी इंजरीज को छुपा के रखा जिससे कि उसके पेरेंट्स उसे बचा पाए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जॉन को, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। जॉन छोटा सा 6 साल का बच्चा क्या बोला, दैट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल कैन बी टुगेदर। तो वो देखो इंटरेस्टिंग, नहीं डरता है तूफान को झेलने से, क्या बोलता है दैट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। सू को इंजरी होती है वो तब भी नहीं कहती, एंड लैरी एंड हर्ब ने बहुत साथ दिया। तो विद दिस आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, ऑथर जो है फाइनली सेफ एंड साउंड अपनी फैमिली के साथ के लिए एम्स्टरडम रुक जाते हैं। दो इनकी ड्रीम वॉयज पूरी नहीं होती है, बट यस जान बची तो लाख उपाय वाली सिचुएशन इनके साथ हो जाती है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है एक एक पॉइंट्स के साथ, बिकॉज देखो इस साल CBSE का पैटर्न चेंज हो गया, आपको MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए चैप्टर को अच्छे से स्टडी करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको इंग्लिश के बाकी चैप्टर पढ़ने, फुल सिलेबस ऑफ क्लास 11 मैंने पढ़ा दिया इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। समरी वीडियो पढ़ने से इस साल आपको कुछ नहीं होने वाला है, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज फिल्ड विद इंग्लिश प्लेलिस्ट, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इको, सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊंगी इस साल क्लास 11 के, ह्यूमैनिटीज के, कॉमर्स के, इंग्लिश आई विल बी कवरिंग। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चलती जाएंगी, आप उनमें से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको राइटिंग सेक्शन देखना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट गिवन है। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।